प्रेम से बोलिए श्री आनंदमय मात की। मां उपदेश दे रही हैं, जो लोग कुछ करने में असमर्थ हैं, जिनके धर्म जीवन का कोई सहाय नहीं है, उन लोगों से ही मुझे विशेष प्रयोजन है। मैं तो सब समय तुम लोगों के साथ साथ ही हूं, तुम लोग देखना नहीं चाहते हो, मैं क्या करूं? जान लो, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, पास हो या दूर, जिस किसी समय एक लक्ष्य तुम लोगों के ऊपर सदा जागृत है। पूछ रहे हो तुम लोगों की भावना इस शरीर के पास पहुंचती है? हां हां हां। इस शरीर पर तुम लोग विश्वास रखो, तुम्हारा अखंड विश्वास ही आंखें खोल देगा। श्रेय ग्रहण प्रेय त्याग, अनुकूल सहायता ही आएगी। तुम्हारे मन में संशय जाग रहा है, साधना में अग्रसर होने में इतनी देर क्यों? पिताजी, तुम तो जानते हो, पेट की बीमारी होने पर पहले जुलाब से पेट साफ करा के डॉक्टर फिर दवाई देते हैं। इतने अशुभ कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जब तक साफ नहीं होंगे उतने दिन देर तो होगी ही। शरीर मन साफ होने पर जप रूपी औषध काम में आती है, काम करते जाओ, किसी मुहूर्त में वह शुभ लाभ आएगा। मांगने से ही मिलता है, पर मन में मुंह में सर्व भाव से एक होकर मांगना चाहिए। यह शरीर सबके लिए सर्वत्र है। मैं तो तुम लोगों को छोड़कर जाती नहीं, मैं तो तुम लोगों के पास ही हूं। एक बार निराश्रय की भांति उनकी ओर देखते हुए उनकी गोद में कूद पड़ो, तुम्हें और कोई चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। अभय की शरण लेना, संसार ही भय है। भय के आश्रय में रहोगे, भय नहीं होगा। वहां निर्भर आशा करना ही वृथा है। सर्व दुख से रक्षा पाने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय ग्रहण करने की चेष्टा ही कर्तव्य। वे हैं, वे नहीं रहने से मैं कहां? वे ही मुझे छू कर हैं। इस भाव को लेते लेते देखोगे वे हैं। इस भाव को आने के लिए निरंतर जप करना। जितना इष्ट में मन रखोगे उतनी निष्ठा बढ़ेगी। चारों ओर मन ना देकर एकाग्र हो। भय भावना क्यों? वे पकड़े हुए हैं, भय क्या? अभय को पकड़े रहने से भय का प्रश्न कहां? डर किसका? वे तो हैं सर्वक्षण, उनकी जो इच्छा करें। वे जो करते हैं सभी मंगल, यह याद रखना। वासना से ही भय दुख। भगवान के नाम में कोई भूत प्रेत नहीं रहता। भगवान का नाम तो सर्व दुख एवं दोष नाशक है। इसी नाम को जपो, सुबह शाम तो जपोगे ही, और मन ही मन नाम रखे रहना। विशेष रूप से यह समझने का प्रयत्न और विश्वास करना कि इससे कोई आफत विपद नहीं रहता। भगवान का नाम ही विधि है। नाम के निकट किसी भूत प्रेत का स्थान नहीं है। स्पिरिट बुलाना ठीक नहीं है, अक्सर अन्य आत्माएं आती हैं। साधारण लोग इसे समझ नहीं पाते, इससे नुकसान होता है। केवल भगवान का नाम और उनके ध्यान की ओर मन लगाए रहो। भगवान के नाम के आगे अपर शक्ति कोई क्रिया नहीं कर सकती। इस सत्य को अपने मन में दृढ़ भाव से बनाए रखो। जब भी भगवान का नाम लोगे उसी समय यह सोचना कि अब मुझे अन्य कोई शक्ति छू नहीं सकती। अगर उस समय कोई शारीरिक उद्वेग अनुभव हो तो समझ लेना कि यह शारीरिक क्रिया मात्र है।
रात को सोते समय ठाकुर का नाम जपते हुए सोना। इस पर भी डर लगे तो जब सोने जाना तब गीता चंडी रामायण सिरहाने रखकर सोना। सर्वदा भगवान का नाम लेना और याद रखना कि जहां धर्म ग्रंथ हैं वहां वे स्वयं ही हैं। किसी प्रकार का भय वहां उपस्थित नहीं हो सकता। प्रश्न, हम लोगों का होगा मां? मां जरूर होगा। तुम लोग नहीं होगा यह भावना ही मन में मत लाओ। देखते नहीं कि भगवान को सोचते सोचते तद्भावपन्न हो जाने में आता है? नहीं होगा सोचने की जरूरत नहीं। तुम लोग चिंतित क्यों हो? सभी का ही होगा। प्रश्न, मां मन क्यों स्थिर नहीं होता? जब भगवान का नाम लेने बैठती हूं तब दुनिया भर की चिंताएं सताने लगती हैं। मां, अगर सामने आईना रखकर मुंह इधर उधर घुमाती रहो तो कैसे कुछ देख सकोगी? इसके विपरीत अगर आईने को सामने रखकर अपनी शक्ल को उसके सामने स्थिर रूप में रखो तो मुंह आंख नाक का तथा अन्य सभी स्थानों का संपूर्ण चित्र देख सकोगी। आईने में सब कुछ झलक उठता है और कहती हो शांति नहीं पाती। शांति पाओगी कैसे? कच्चा खाती हो इसलिए बीमार हो जाती हो। अगर अच्छी तरह पकाकर खाओ तो तृप्ति अनुभव करोगी। उबाली हुई वस्तु खाओ तो देखोगी तृप्ति मिल रही है। आग पर बैठाकर चल देने से काम नहीं बनेगा। बार बार देखना पड़ेगा कि आग ठीक से जल रही है कि नहीं। अगर नहीं जल रही तो लकड़ी दो। जैसे फल के भीतर बीज रहता है उसी प्रकार वासना और कामना के बीज होते हैं। बीज युक्त फल को काफी प्रयत्न से उबालने पर ही उसके भीतर का बीजत्व नष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार साधन भजन के द्वारा वासना के बीजों को नष्ट कर देना चाहिए। प्रश्न, मां भगवान को पाने के लिए क्या करना होगा? उसका रास्ता बता दो। मां, रास्ता देने के लिए उनके पास प्रार्थना करो। प्रतिदिन कम से कम कुछ देर के लिए भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान तुम मुझे रास्ता दिखा दो। उनको बुलाने से वे कभी भी फेंकते नहीं और फेंकेंगे ही कहां, सब स्थान पर ही तो वह, उनको तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है। प्रेम से बोलिए शिष्यानंदमयी मात की।